Assalamualaikum. Hello my YouTube family. Happy Ramzan to all of you and welcome to my channel Pure Heart with Madiha. Kindly subscribe my channel, like this video and hit the bell icon ding 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 for my further video. So let's get start the video. आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पकोड़ा, बहुत मज़े का, डिलीशियस और बहुत क्रिस्पी। इसको बनाने के लिए आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था, ये देखें इस तरह से क्यूब कट कर लिए थे मैंने, ये देखें इस तरह का आपने बोनलेस चिकन ले लेना है, अच्छे से उसे वॉश कर लेना है। एक टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून लेमन जूस। और लेमन जूस ऐड कर लेने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी लाल मिर्च, और लाल मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून से, थोड़ा सा कम था। और लाल मिर्च ऐड कर लेने के बाद इसमें डाल दूंगी नमक, नमक मैंने 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ही डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बात आप अपने माइंड में लाजमी रखें क्योंकि मैंने इसके ऊपर कोटिंग करनी थी बेसन की, तो उसमें भी नमक जाएगा। इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स ताकि लेमन जूस, चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च और नमक चिकन पे बहुत अच्छा सा लग जाए। ये देखें अच्छा सा मिक्स कर लें, और मिक्स कर लेने के बाद इसको मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आधा घंटा या 20 मिनट काफ़ी है। और आ जाते हैं कोटिंग का मटेरियल रेडी करने के लिए, ये है भुना कूटा हुआ जीरा 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम क्योंकि पहले भी चिकन में नमक डल चुका है, और लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, और लाल मिर्च के साथ ही ये मैंने रखा हुआ है बेकिंग पाउडर 1 चुटकी, और साथ ही दूसरी पड़कर 1 चुटकी या कलौंजी, ये दोनों चीज़ें इसमें जाएंगी। और अब ले लिया मैंने एक बाउल, और इस बाउल के अंदर मैं डालूँगी 6 से 7 टेबल स्पून बेसन के, और बेसन में मैं सारी चीज़ें डालूंगी। इसके साथ मैं एक और चीज़ भी डालूंगी, वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा मैंने पानी डाला, और इसके बाद जो चीज़ डाली है मैंने वो है 1 टेबल स्पून चावल का आटा, ये देखें 1 टेबल स्पून चावल का आटा डाल दिया है, इससे ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। और जो बेकिंग पाउडर है उससे चिकन बहुत जूसी बनेगा, तो चिकन अंदर से बहुत जूसी होगा और ऊपर से बहुत क्रंची और क्रिस्पी होगा। इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर इसे इतना बैटर बना लेना है। इसके बाद चिकन को इसमें कोट करके, और इसको मैं कर लूँगी डीप फ्राई, सेपरेट सेपरेट करके ही आपने इन पीसीस को डालना है, ये देखें इस तरह से चिकन सेपरेट सेपरेट करके डालें, चाहिए एक बैच में बने चाहिए 2 बैच में बने, ये देखें। अब मैं कर लूँगी इससे फ्राई, और टर्न मैंने तब किया जब इसकी एक साइड कुक होगी, और इसको मीडियम टू लो हीट पर फ्राई करना है क्योंकि चिकन अंदर से बिल्कुल कच्चा है, पहले चिकन को पकाना है उसके बाद इसको ऊपर से क्रिस्पी करना है। तो चिकन को पकाने के लिए मीडियम टू लो हीट पर पहले आप रखें 5 से 10 मिनट तक, मीडियम से लो हीट के दरमियान में हीट रखें, और इसके बाद जब चिकन कुक हो जाएगा उसको थोड़ा हाई फ्लेम की तरफ ले जाकर, और इसको इस तरह से आप चम्मच चलाते रहें, और जस्ट इसके फिर ऊपर कलर लाना है और इसको क्रिस्पी करना है। सो हियर इज़ द फाइनल लुक, जूसी चिकन इनसाइड एंड क्रिस्पी कोटिंग आउटसाइड। डेफिनेटली यू शुड ट्राई इट एंड गिव मी योर फीडबैक, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल, हियर इज द लिंक। और अब मैं आपको चेक कराती हूँ इसकी क्रिस्पीनेस, लाइक इतने क्रिस्पी और अंदर से सीरियसली इतने जूसी ये चिकन बना हुआ था ना, आप लाजमी इसे अफ्तार में बनाएं, आप सीरियसली बहुत इंजॉय करेंगे ये खाकर। मैंने इसे केचप के साथ सर्व किया था, तो लाजमी मुझे कमेंट सेशन में बताएं। इसके अलावा अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे, एंड फॉर माय साइड थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।